अरे नीचे तो कर ले के साथ मिलकर सभी 10 सीटें जीते, इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है और सपा को ही लोग समाजवादी पार्टी बना रहे। लेकिन सर 24 में उन्होंने काफी सीटें जीती है, वो कभी कभी बिल्ली के भाग से सीमा टूट जाता है। कहा कर रहे हैं वोट करके लोगों को गुमराह करके जो प्राप्त किए उस पर चुप कर रहे हैं। जनता उनकी समझ गई है, इसे सपा हो या कांग्रेस हो, उनको अब सबक सिखाने के लिए लोग तैयार। सर अयोध्या जो सपा नेता था उसका मैच नहीं हुआ, जो सपा नेता था जिसका रेप कांड में नाम आया था उसका डीएनए मैच क्या कहेंगे? देखिए आप तो बनाया था, जिम्मेदार पत्रकार हो, नाम नहीं मैं जानता, लेकिन जब गैंग रेप जैसी घिनौनी घटना होती है और ऐसे आरोपियों को अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी संरक्षण देने का काम करते हैं, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे उनके संसदीय क्षेत्र कन्नौज का मामला हो और चाहे प्रदेश में अन्य कहीं स्थान का मामला हो, वो तो अपराधियों के संरक्षक बनकर के साबित हुए हैं और वह जांच चल रही है, उस पर कोर्ट में मामला है, ऐसे अपराधी बच नहीं सकते। भाजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी 10 में से? भाजपा 10 में से कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है उपचुनाव? देखिए ये तो पार्टी तय करेगी, जहां भी भाजपा लड़ेगी भाजपा जीतेगी, जहां भाजपा के सहयोगी लड़ेंगे वो सहयोगी जीतेंगे। बुलंद चारोल का जो बात बयान बवाल हुआ है, यदि नरसिंह ने बयान दिया है टाइम मेंबर को लेकर, उसको लेकर क्या कहना है? मैं उस बयान को न देखा हूँ न उस पर कोई टिप्पणी। बवाल को लेकर क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।